और मैंने येस बैंक भी लिया है, 5,000 शेयर 13 रुपए पे, तो इसको भी होल्ड कर सकता हूँ, इस पे राय चाहिए थी। थैंक यू। ठीक है, ये दोनों ही बैंकिंग काउंटर्स हैं इनके पास। सौरभ जी, आपकी क्या राय रहेगी? सबसे पहला साउथ इंडिया बैंक, जो कि इन्होंने इनके पास जो शेयर्स हैं वो करीब 18.5 रुपए के हैं, और दूसरा है इनके पास येस बैंक, जो कि 13 रुपए के भाव पे इन्होंने परचेज किए हैं। जितने भी बैंकिंग काउंटर्स हैं, अपडेट तो काफ़ी अच्छे दे रहे हैं, पर स्पेसिफिकली ये दोनों बैंक्स पे आपका क्या आउटलुक निकल कर आ रहा है? साउथ इंडियन बैंक और इंडियन बैंक दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं बिजनेस को बढ़ाने में। इनके खर्चे ज्यादा हैं, इनके कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा हैं और एनपीए ज्यादा हो गए थे। इस बार भी अभी ये जैसे येस बैंक का अपडेट आया है तो जो डिपॉजिट्स है उसका ग्रोथ कम है, क्रेडिट का ग्रोथ कम है, तो मुझे लगता है कि ये बैंक जो है ना इंडस्ट्री के साथ नहीं चल पाएंगे। दे विल कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म द बिजनेस। आई मीन जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगा वैसे ये दोनों बैंक नहीं बढ़ पाएंगे। बैंकिंग क्षेत्र का आउटलुक हालांकि काफी अच्छा लग रहा है और हो सकता है कि इन दोनों बैंक में भी कुछ बाइंग देखने को मिले क्योंकि वैल्यू स्टॉक और फाइनेंशियल सर्विसेज 2022 में काफी अच्छा लग रहा है। बट मेरी फिर भी सलाह रहेगी कि अगर आप ग्रोथ में शिफ्ट हो जहां पर बड़े बैंक में अगर आप जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इन दोनों को बेचकर आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ले पाए तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर में आपको थोड़े से पोजीशन शिफ्ट करने की जरूरत है। जो दिग्गज जो फंडामेंटली मजबूत बैंक है उनमें आप एक भरोसा कर राय सकते हैं। राजेश आपसे चलिए लेना मैं दर्शकों चाहेंगे येस बैंक पर, यहाँ पर भी राय दीजिए। दो खबरें थी हमारी और दोनों एक्सक्लूसिव ही थी। येस बैंक पहले तो 10,000 करोड़ रुपए जुटाने वाली है, इस तरह की भी खबर आई, मंजूरी मिल चुकी है। और अब कॉक्सिंग किंग्स की जो अब रिसेंट खबर आ रही है, येस बैंक को झटका लगने की भी बात की जा रही है। जो शुरुआत है वो पॉजिटिव नोट पर होते हुए दिखाई दे रही है। चार्ट्स पर आपको क्या लग रहा है, तेजी हो सकती है आगे और ज्यादा ऊपर जा सकता है ये स्टॉक, और करंट लेवल्स पे क्या करना चाहिए येस बैंक में? तो पूजा जी देखिए, काफी लंबे समय से एक रेंज में ही हम देख रहे हैं कि स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। 15 रुपए से 11 रुपए ये एक रेंज बनी हुई है। मंथली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो बड़ा ब्रेकआउट तो इसका 15 रुपए के ऊपर होगा। जब तक ये 15 रुपए को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए करेगा। लेकिन ट्रेडिंग सेटअप से अगर हम बात करें, बहुत ही छोटी टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, तो 14 रुपए 50 पैसे 14 रुपए 25 पैसे तक ये स्टॉक में अपमूव बिल्कुल आ सकता है, जो कि इसके लिए एक हर्डल जैसा या सप्लाई जोन जैसा काम करेगा। तो यहाँ पे 12 रुपए 50 पैसे 12 रुपए 25 पैसे ये एक स्टॉप लॉस रख के ट्रेडिंग व्यू से लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन जो इसमें एक सिग्निफिकेंट अपमूव या एक जिसको हम बोलते हैं कि टर्न अराउंड होगा स्टॉक, वो 15 रुपए के ऊपर ही होगा। जब तक वो 15 रुपए का लेवल क्रॉस नहीं होगा ये एक रेंज में ही फंसा रहेगा और इसमें कंसोलिडेशन की एक्टिविटी कंटिन्यू